कंसेंट्रेशन सेल, कंसेंट्रेशन सेल, सांद्रण सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे आसान टॉपिक है ना, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। सिर्फ 5 मिनट आप मेरा साथ दीजिए, है ना। इसमें क्या करेंगे बच्चों, 2 बीकर लेते हैं, बीकर बोलिए या ट्यूब बोलिए, दैट इज से। इस बीकर में सॉल्यूशन डालते हैं, सॉल्यूशन डाले ZnSO4 जिंक सल्फेट, है ना। एक और ट्यूब ले लीजिए, ट्यूब ले लीजिए, इसमें भी जो सॉल्यूशन डालेंगे ZnSO4 जिंक सल्फेट, है ना। अब इसमें जो रड डालेंगे बच्चों, वही मेटल का, जिस मेटल का ये सॉल्यूशन है, यानी जिंक रड डालेंगे, जिंक रड डाल दिए, यहां लिख दीजिए ZN रड, है ना। इसमें भी जिंक रड डाल दिए, ZN रड, और इसको गुड कंडक्टर वायर से कनेक्ट कर दीजिए। दोनों में सेम ही है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, है ना। दोनों का इलेक्ट्रोड एक ही प्रकार का है, दोनों का सॉल्यूशन भी एक ही प्रकार का है, है ना। इतना तो समझ गए। अब इसको क्या करेंगे, साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं ताकि चार्ज मेंटेन रहे। ये जो है आपका साल्ट ब्रिज, है ना। इसको भी इससे कनेक्ट कर दीजिए, है ना। कहता है कि दोनों बीकर में सेम सॉल्यूशन है, दोनों का इलेक्ट्रोड सेम है, तेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होगा। तो कहता है कि सॉल्यूशन दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का कंसेंट्रेशन में अंतर है। एक का कंसेंट्रेशन हायर है और दूसरे का कंसेंट्रेशन लोअर है, एक C2 है एक C1 है, है ना। तो कहता है इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन, यानी इसका डिफिनेशन आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे, वैसा से जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड समान हो, और दोनों इलेक्ट्रोड समान हो, सॉल्यूशन भी समान हो, लेकिन दोनों के कंसेंट्रेशन में अंतर हो, एक का कंसेंट्रेशन हायर हो दूसरे का कंसेंट्रेशन लोअर हो, यानी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हायर से लोअर में जाएगा। इसके लिए ई सेल अगर बनाएंगे, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ई सेल इज इक्वल टू आर टी बाई एन एफ एल एन सी टू डिवाइडेड बाई सी वन, है ना। अब इसको करेंगे ई सेल इज इक्वल टू जीरो, अगर इसका वैल्यू बैठा देते हैं 0.0591 बाई एन डिवाइडेड बाई एल एन, यानी लॉग सी टू बाई सी वन। एन का मान कैसे पता चलेगा बच्चों, तो इसमें जो हो रहा है रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, हाइयर से लोअर, एक का रिडक्शन होगा दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा, यानी जेड एन इलेक्ट्रॉन लॉस किया, जेड एन प्लस हो गया, साल्ट ब्रिज देंगे यानी जेड एन प्लस का रिडक्शन हुआ, जेड एन हुआ, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, है ना। और जेड एन से जेड एन प्लस टू हो रहा है, जेड एन प्लस टू दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 2 आ गया, यानी ई सेल इज इक्वल टू हो गया 0.0591 बाई 2 लॉग सी टू बाई सी वन, यहां बढ़िया से लिखिए C1, है ना। कैलकुलेशन करेंगे 0.0295 लॉग सी टू बाई सी वन, यही तो है बच्चों कंसेंट्रेशन सेल, है ना। इसका डिफिनेशन कहेगा तो कहेंगे वैसा से जिसमें एक ही प्रकार का इलेक्ट्रोड हो, एक ही प्रकार का सॉल्यूशन हो, लेकिन सॉल्यूशन में
कंसेंट्रेशन का अंतर हो, इसी को कहेंगे कंसेंट्रेशन सेल। इसी के साथ बच्चों रेगुलर क्लास करते रहिए, जो प्रॉब्लम है कमेंट करके बताइए।